ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, आपकी जो प्रेरणा भरी जिंदगी है, उनके अलग अलग पहलुओं, बचपन से लेकर आपके इस मुकाम तक हमने जाना, अब हम थोड़ा सा आप जहाँ काम कर रही हैं, मैं थोड़ा उनको उसको भी समझना चाहता हूँ, उस पहलू को भी टच करना चाहता हूँ। मैम, आप अभी ट्रेडमार्क ऑफिस जो दिल्ली में है, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हैं, क्या रोल है मैम वहाँ आपका? मैं एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो हूँ ही, मैं साथ में एज ए हेड ऑफ ऑफिस बतौर काम कर रही हूँ यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया का ये एक अकेला ऑफिस है दिल्ली में। हमारे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 ब्रांचेस हैं, तो दिल्ली में जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ये सारा इधर जो नॉर्थ इंडिया पूरा है इसको कवर करता है। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क्स के रिलेटेड हम रजिस्ट्रेशंस देते हैं बेसिकली। तो ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है? ट्रेडमार्क एक ऐसा डिवाइस, कोई भी लोगो, कोई भी ब्रांड, जैसे सोनी हो गया, सोनी जो है दैट इज अ ट्रेडमार्क, वो डिवाइस है एक, तो वो हम यहाँ पर ग्रांट करते हैं। बिल्कुल मैम, ट्रेडमार्क वगैरह एक ऐसा शब्द है कि आम आदमी को समझ में नहीं आता। अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझाना चाहेंगे मैम ये क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा मैम। ट्रेडमार्क बेसिकली मैंने आपको बताया कि इट्स लाइक अ ब्रांड। जी मैम, ब्रांड हम कह देते हैं कि हमने पोलो की शर्ट या एरो की शर्ट पहनी हुई है। जी मैम, तो वो जो एरो है जी, उसका वो जो डिवाइस क्या लोगो होता है, दैट इज अ ट्रेडमार्क, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी आईपी इंडिया की वेबसाइट है जहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप अब ऑलमोस्ट 99% हमारा ऑनलाइन हो गया है कि आप ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो फी है इसकी वो ऑफलाइन 10,000 है, ऑनलाइन आप फाइल करेंगे तो 9,000 फी आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा, तो मैम किसी भी जो कॉरपोरेट में कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी का, या कोई कंपनी खुद अपना चाहे, तो क्या मैम वो लोग खुद अपने प्रोडक्ट का कराते हैं या कंपनी का भी ट्रेडमार्क होता है? आपने कंपनी का भी करवा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उससे फायदा ये होता है कि जैसे आप यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो उसको कोई और यूज ना कर सके, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा मैम, एक सवाल हो, क्या ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या लगभग थोड़ी मिलती जुलती ही चीजें हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही ट्रेडमार्क्स आता है। अच्छा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इज अ वाइडर टर्म बेसिकली, उसमें पेटेंट्स भी है, कॉपीराइट भी अब आ गया है लेटेस्ट, ट्रेडमार्क्स है, डिजाइंस है, जीआई है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वाइडर टर्म एंड ट्रेडमार्क इज अ पार्ट ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नेचर ऑफ वर्क अगर मैम हम पूछूं, मैम क्या है, जैसे आप कह रही थी मैम हियरिंग भी कंडक्ट करती हैं, एडमिन भी करती हैं, तो थोड़ा सा ये बताएं मैम नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क टू टाइप्स तो है। स्टार्टिंग में एज अ हियरिंग ऑफिसर मैंने काम किया। हियरिंग में ये है कि जब आप कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो, अगर एग्जामिनेशन लेवल पे उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो उसकी हियरिंग्स होती हैं, जैसे कोर्ट्स में होती है नॉर्मल। तो इट्स अ क्वासी जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल है ये, तो जैसे कोर्ट्स में हियरिंग होती है, वैसे ही ट्रेडमार्क्स में हियरिंग होती है फॉर द ट्रेडमार्क्स। तो हम हियरिंग्स कंडक्ट करते जब करते हैं, तो उनको उस टाइम पे ट्रेडमार्क ग्रांट करते हैं टू वेव अप द ऑब्जेक्शंस। बिल्कुल, तो मैम कभी ऐसा भी होता है कि क्या जब किसी कोई कंपनी अपना कोई लोगो ट्रेडमार्क करा लेती है, फिर उसको कोई कंपनी या कोई दूसरी संस्था या इंस्टीट्यूशन उसको कॉपी करने की कोशिश करती है, फिर वो कंपनी क्या, तो मैम ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंप्लेन करते हैं या क्या होता है मैम ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है जी, तो उसका कोई और ट्रेडमार्क उसको चोरी करके यूज कर रहा है जी, जी. तो वो ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं जी. तो जो रजिस्ट्रार है ही कैन टेक अ सू मोटो एक्शन ऑन दैट, उसको कैंसिल कर सकता है जी. या कोर्ट्स में साथ साथ उसका पासिंग ऑफ का जो एक्शन है वो तो है ही है साथ साथ जी. तो उसको हम सू मोटो या हियरिंग्स दे के उसको कंडक्ट करते हैं कंप्लेंट के बेसिस पे। तो उसी हियरिंग्स में ही हम डिसाइड करते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हियरिंग्स होती हैं, जैसे शो कॉज हियरिंग हो गई स्टार्टिंग, पोस्ट रजिस्ट्रेशन हियरिंग्स हैं हमारे, ऑपोजिशन हियरिंग्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जहाँ पर ट्रेडमार्क्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हियरिंग्स होती हैं। अच्छा, तो हम अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें मैम, तो किस किस तरह के डिस्प्यूट अगर कुछ बताएं, तो मैम उसकी तादाद कितनी रहती है और किस किस तरह के डिस्प्यूट मैम आते हैं अगर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की बात करें ट्रेडमार्क को लेकर? मैम ट्रेडमार्क मैंने बताया कि इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी। अगर ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी ने ट्रेडमार्क करा लिया, तो उसमें उसने
असाइनमेंट, जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं वैसे ही उसने असाइनमेंट कर दिया, पर वो जो असाइनमेंट है वो लीगल असाइनमेंट नहीं है, वो इलीगल असाइनमेंट है। तो उसके बेसिस पे वो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो हमारे पास हेयरिंग पर आते हैं, हम उनको रिजॉल्व करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हेयरिंग्स अब मैम के। एक चीज़ और, अगर हम देखें कि वर्कलोड की बात करें मैम, चूंकि निजी ज़िंदगी और मैम ऑफिस दोनों के बीच तालमेल बिठाना और उसके बीच स्पेशल एबिलिटी होना, तो ये कोऑर्डिनेशन मैम जो समन्वय है फैमिली और योर ड्यूटी, इसके बीच मैम तालमेल कैसे बिठाती हैं आप? तालमेल मैंने आपको बताया हस्बैंड बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। अगर आई थिंक मुझे ये लगता है आपकी फैमिली लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर अगर ना मिलता अगर तो बहुत मुश्किल हो जाता मुझे जॉब, क्योंकि हमारी जो वर्किंग आवर्स है वो 9:30 to 6 है। तो 9:30 to 6 के बाद आप सारा ऑफिस में पूरी रिस्पॉन्सिबिली बिहेव करके हेड ऑफ ऑफिस होके कई बार 7 भी बज गए 8 भी बज गए फिर आप घर आ रहे हो, तो अगर घर से सपोर्ट ना मिले आपको तो आप जॉब नहीं कर पाते। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम कैसे फिर मैनेज, जैसे कि वक्त कैसे देते हैं, चूँकि यहाँ आपको सिंसियरली ऑफिस को भी पूरा टाइम देना है, तो परिवार के साथ बच्ची के साथ फिर उनके लिए कैसे टाइम निकालती हैं? मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है जी जी तो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे संडे मैं उनको फुल टाइम दूँ, मतलब वर्किंग 5 वर्किंग डेज हो गए और सैटरडे संडे हम लोग जैसे फॉरेन में वीकेंड्स मनाते हैं तो हम फुल टाइम सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं तीनों। आप अपनी बच्ची को लेकर क्या ख्वाब देखा है आपने और क्या बनाना चाहती हैं उनको? 11 महीने की है अभी बेटी मेरी, तो सब कहते हैं कि बेटी हुई है, जी तो मैंने उसका बेटों जैसे सारे फंक्शंस किए, जी जी बेटों से भी बढ़कर है वो मेरे लिए, तो मैं उसको एज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड ही रखूंगी। वो मेरे लिए जिंदगी में क्या मायने रखती है वो मुझे पता है, जी जी आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बिल्कुल मैम तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं उसको जज बनाऊं, जी जी वो भी लॉ फील्ड में जाए, जी जी जज बने, लोगों की सेवा करे। अच्छा मैम एक प्रोसेस कि अगर कोई आम इंसान जैसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अगर पेटेंट कराना चाहे या ट्रेडमार्क को कराना चाहे, तो मैम शुरुआती उसको कैसे, अगर मतलब जिसको जिसके पास कोई जानकारी नहीं है मैम, अगर वो चाहे तो उसके लिए क्या मैम आप कोई जानकारी अगर देना चाहें तो? उसमें आईपी इंडिया की, मैंने ऑलरेडी बताया आईपी इंडिया की वेबसाइट है हमारी, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उसमें पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे कौन सा फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा फ्लो चार्ट देके पूरा क्लियर किया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैम हम 21वीं सदी में हैं और अभी हमारे देश में वुमन एम्पावरमेंट एक शब्द है मैम जिस पे खूब बहस होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं महिला सशक्तिकरण, पीएम मोदी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वाकई आज जब आप समाज में देखती हैं तो कितना महसूस करें कि कितना वुमन एम्पावरमेंट हुआ है और आपके नज़रिए से कितना होना बाकी है? मेरे नज़रिए से तो अभी 10% भी नहीं हुआ जी, बहुत होना बाकी है, बहुत अभी। मैं अपने केस में अगर आपको बताऊं जी, तो जहाँ पर भी आप, जैसे एक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फीमेल्स जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनको पढ़ा उनको भी पढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, जो जैसे मेरे टाइप जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, लोग जो बिल्कुल सही सलामत जो बच्चे हैं जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको भी पढ़ाने में हिचकिचाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही हमें बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से आगे बढ़ाना होगा। हम कहते हैं हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, पर मुझे नहीं लगता अभी वुमेन एम्पावरमेंट, अभी बहुत दूर है हमें वुमेन एम्पावरमेंट। मैम जो बच्चियां दिव्यांग हैं या स्पेशल एबिलिटी हैं तो उनके लिए मैम क्या संदेश है आपका कि उनके कि कैसे वो जो सामाजिक चुनौतियाँ हैं, जो पारिवारिक चुनौतियाँ हैं, जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, कैसे उनका सामना करें और आगे बढ़ें? मेरा तो एक ही वो है कि आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप सब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन मिल जाती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी रोक पाएगा। बिल्कुल, तो ये थी डॉक्टर प्रीत पाल कौर सिद्धू से हमारी खास बातचीत। वाकई इनकी ज़िंदगी कह सकते हैं न सिर्फ कामयाबी बल्कि चुनौतियों और प्रेरणाओं से भरी हैं और हम सब इनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी ये खास पेशकश, बने रहिए एपीएन के साथ।